इस सिंबल का मीनिंग है कि बच्चा आपको दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में एक बैग है। एक और सिंबल है, इसका मीनिंग है कि इस साइड पे जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है या जो स्पीड लिमिट का बोर्ड है, सामने ये आपको यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है और सामने ये फ्लाईओवर है, लेकिन हम नीचे से जहाँ डिवाइडर कट रहा है इसका मीनिंग है यहाँ से अगर आपने इज द लॉर्ड वेलकम टू संडे स्कूल होसाना मसीह क्लिसिया। आज मैं हूँ NH 44 के ऊपर। ये जो रोड आप साइड पे देख रहे हो ये है NH 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44। अलग अलग तरह के रोड्स होते हैं और आज यहाँ पे मैं संडे स्कूल की स्टूडेंट्स की क्लास लूँगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्लास क्यों। रोड के ऊपर जो अलग अलग सिम्बल्स दिए होते हैं, सिम्बल का एक मीनिंग होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आज मेरे साथ छोटे सिस्टर भी हैं और उनकी हेल्प से मैं ये वीडियो बनाऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तब तक मैं पेट्रोल पंप से यहां से पेट्रोल भरवाता हूं। पेट्रोल फिल हमने करवा लिया है, अभी हम चलेंगे रोड के ऊपर। अभी हम रोड क्रॉस करेंगे और चलेंगे दूसरी साइड। इस तरह भी ये रुकना। इस सिंबल का मीनिंग है कि ये रोड आगे लेफ्ट साइड को टर्न कर रहा है। और यहाँ पे जैसे सिंबल में बताया गया था, लेफ्ट साइड की तरफ ये रोड जो है जा रहा है। हाँ रुक जा। और सामने ये जीब्रा क्रॉसिंग का, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का ये सिंबल है और आगे मैं इसके बारे में आपको वहाँ पे बताता हूँ। और ये है जीब्रा क्रॉसिंग और पैदल चलने वाले यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रोड के ऊपर, नेक्स्ट सिंबल हमें कौन सा मिलता है वो देखते हैं। और सामने नहर के ऊपर एक ब्रिज बना है। नहर को इंग्लिश में कैनाल बोलते हैं और इसका नाम है पोंग लेफ्ट मेन कैनाल। और सामने दो सिंबल आपको दिख रहे होंगे, एक टी शेप का सिंबल है, उसका मीनिंग है लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइड पे रोड्स हैं। और उसके आगे जो सिंबल बना हुआ है वो है गैप इन मीडियन का, उसका मीनिंग है कि अगर आपने इस साइड से दूसरी साइड पे जाना है रोड के, तो आप वहाँ से जो डिवाइडर कटा हुआ है वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से क्रॉस करते हैं बीच में से, यहाँ से कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए। जो मीडियन वहाँ पे दिया हुआ है, गैप दिया हुआ, वहीं से क्रॉस करें। अब हम चलेंगे यहाँ से आगे और आगे देखते हैं कौन कौन से सिंबल हमें इस रोड के ऊपर, इस हाईवे के ऊपर मिलते हैं। और ये ग्रीनरी आप देख सकते हो डिवाइडर के ऊपर जो प्लांट्स लगाए हैं दोनों रोड्स के बीच में, वो कितना अच्छा लग रहा है उससे व्यू। और वैसे भी ग्रीन कलर जो है आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सामने ये फ्लाईओवर है, लेकिन हम नीचे से जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सिंबल दिखा तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ से स्लो करो थोड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बोर्ड यहाँ पे लगा है, सिंबल लगा है, इसका मीनिंग है कि सामने रेलवे क्रॉसिंग है। जैसे साइन बोर्ड के ऊपर बताया है ये सामने है रेलवे क्रॉसिंग। हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं और सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है उससे, उसके नीचे से जाएंगे अभी हम दूसरी साइड के ऊपर। और ये यहाँ पे एक स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है ये। हम चलेंगे यहाँ पे मेन जो नेशनल हाईवे है उसकी तरफ, शीशे से देख के जानते। और ये जो सामने आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये इस नेशनल हाईवे का है, NH 44। और ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर पेट्रोल पंप भी है, इंडियन ऑयल का ही जो पेट्रोल पंप है, हमने लेकिन ऑलरेडी फिल करवा लिया है। टू व्हीलर के ऊपर क्या होता है कि जो ड्राइव कर रहा है सिर्फ वही हेलमेट पहनता है और पीछे वाला जो है वो हेलमेट नहीं पहनता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ड्राइव कर रहा है वो भी, और मैंने भी हेलमेट पहना है। और अभी हम वापस जा रहे हैं और ये वही कैनाल के ऊपर ये ब्रिज बना है, पोंग लेफ्ट मेन कैनाल। हम जिस रोड पे हैं ये NH 44 है और NH 44 जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है। और ये हाईवे चलता है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक।
और आपके सामने ये जो रेड कलर का बोर्ड है इसके ऊपर स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया है। अलग अलग जो वाहन होते हैं उनकी स्पीड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अपने वाहन को हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर चलाएं। और सामने ये ब्लू कलर का बोर्ड जिस पे लिखा है बस ले बाय, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई बस जा रही है तो यहाँ पे यात्री जो है वो सामने जगह दी हुई है वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और यहाँ पे बस जो है वो आपको पिक करेगी। सामने ग्रीन कलर के बोर्ड के ऊपर एक तो हाईवे का नंबर लिखा हुआ है, उसके अलावा अलग अलग शहर कितनी दूर है यहाँ से उसके बारे में यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे दोबारा ब्लू कलर का ये जो बोर्ड है इसके ऊपर स्पीड लिमिट्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा वहाँ पे एक और बोर्ड है जो हमने पहले कवर कर लिया है। और इस साइड पे जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसका मीनिंग है कि ये सामने जो रोड है ये मेन रोड है और इधर लेफ्ट साइड को यहाँ पे एक रोड आपको आगे मिलेगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये जो छोटा लिंक रोड विलेज रोड मिलेगा। और जैसे साइन बोर्ड पे बताया गया था लेफ्ट साइड पे ये रोड है। और सामने ये जो लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो जब भी आप सफ़र करते हो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि हेलमेट जो है आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार को, आपके देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे और जब भी आप टर्न करते हो तो उस साइड का इंडिकेटर ज़रूर लगाएं। हाईवे के ऊपर हमें ज़्यादा सिंबल्स नहीं वहाँ पे मिले, अब कुछ चंद सिंबल्स हमें वहाँ पे मिले। और एक और एक छोटा लिंक रोड है यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे एक और सिंबल है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में एक बैग है, यहाँ पे लिखा है अगे स्कूल है, स्कूल अहेड। और इसका मीनिंग है सामने स्कूल है और अपनी स्पीड लिमिट उसी हिसाब से रखें। स्कूल है यहाँ पे साइड पे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है और ये है स्कूल का रास्ता। और सामने यहाँ पे एक और सिंबल हमें दिखाई दिया यहाँ पे, ये सामने, इसका मतलब है कि आगे जाके पेट्रोल पंप है। और जैसे साइन बोर्ड के ऊपर बताया गया था यहाँ पे आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा। इस वीडियो को देखते हुए हमें पता चल रहा होगा कि सिंबल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे इस तरफ, लेकिन उससे पहले मिरर के अंदर देखेंगे, पीछे ड्राइवर जो है मिरर के अंदर देखेंगे और फिर क्रॉस करेंगे। और ड्राइवर साहिबा बता रही हैं कि सिर्फ मिरर के अंदर देखना ज़रूरी नहीं है, रोड के ऊपर आपने वैसे भी दोनों साइड की तरफ देखना चाहिए। और ये एक बोर्ड है, हम देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे रुको रुको रुको, इसका मीनिंग है ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक लिंक रोड है और सामने उधर जो है वो मेन रोड है, यहाँ से हमने विलेज रोड के अंदर एंटर किया है। और वेदर आप देख सकते हो, ये क्लाउडी वेदर है और कितना अच्छा लग रहा है। के अंदर जो डस्ट और पोल्यूशन है वो बैठ जाता है, इसलिए मौसम जो है साफ हो जाता है और फिर विजिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। और अभी हम चल रहे हैं घर वापस और ब्लॉग एडिट करके शाम को मैं अपलोड कर दूँगा। संडे स्कूल स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाने हैं कॉपी के ऊपर।